आलमारी में सजी हुई किताबें अतीत का दस्तावेज ही तो है जो समय समय पर याद दिलाते हैं और जगमहारे हो जाते हैं। अपने अतीत से कौन जुदा हो सका है, यादें कभी नहीं जाती। पुरानी किताब की तरह मन में बसी होती हैं, उनके पन्ने कभी कभी खिड़कियों से आ रही तेज हवा के झोंकों से फड़फड़ा उठते हैं और न जाने कितने शब्द बाहर तैरने लगते हैं और जो कांटे बनकर चुभते हैं। यादें जीवन भर साथ रहती हैं जब तक शरीर दिल और दिमाग साथ न छोड़ दे। हम मीठी यादों को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं और बुरी यादों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, पर ऐसा होता नहीं। बुरी यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती। मधुर दिनों की यादें भी रुलाती हैं जब उससे बेहतर न हो रहा हो। किसी के द्वारा दिए गए पीड़ा के घाव क्या कभी कोई भूल सका है? समय आने पर वो सांप की तरह फुफकार कर डसने के लिए खड़ा हो जाता है। बुरी यादों को डिलीट करने का कोई बटन दिमाग में नहीं है। यादें अतीत से जोड़कर रखती हैं। यादें पूर्व में की गई कोशिश का एक दस्तावेज होती हैं। वे एक पुरानी किताब की तरह हैं जिन्हें दिमाग जरूरत पड़ने पर पन्ने पलटकर देख लेता है। उन्हें याद रखकर ही कारीगर अपने हुनर का इस्तेमाल करता है। हर कौशल हर हुनर यादों के सहारे चलती है। यदि कारीगर अपना हुनर भूल जाए तो आगे काम नहीं कर सकेगा। हमारी याद जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, हम अपने काम में उतने ही महारत होंगे, हम में उतनी ही प्रवीणता आएगी। याद एक आईना है जो सामने हर चीज़ स्पष्ट कर देती है। याददाश्त की यही तो एक खास बात है कि वो जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा बुरा दोनों आपके सामने आएगा। यादों के सहारे आपका अगला कदम तय होता है। किसी ने आपसे क्रोध जताया तो उससे मिलते वक्त वो दृश्य फौरन आपके सामने आ जाएगा और उससे आप बहुत सावधानी बरतने लगते हैं। यादें आपकी राह की रोशनी हैं। सब भूलकर आप आगे कैसे जा सकते हैं? नैतिकता का पाठ पढ़ाते समय कहा जाता है कि किसी के मान अपमान को, किसी की गलतियों को आप भूल जाएं, क्षमा बड़न को चाहिए, पर यह इतना आसान नहीं। महाभारत में कथा है कि शिशुपाल को भी भगवान श्री कृष्ण 100 अपराध तक ही छूट देते हैं। इसका मतलब ये कि पिछला भूला नहीं गया, बस उसे उपेक्षित किया गया, वो भी एक सीमा तक। भगवान ने भूला नहीं उसका अपमान, 100 बार तक उसे उपेक्षित करते रहे और हद पार होते ही शिशुपाल का सिर भगवान के सुदर्शन चक्र से कट गया। भगवान श्री कृष्ण को याद थी उसकी सीमा, लेकिन शिशुपाल याद नहीं रख पाया अपनी सीमा। दुशासन और दुर्योधन के अपमानजनक व्यवहार को ही न द्रौपदी भूल पाई और न ही पांडव। वो अपमानजनक घटनाओं की यादें भीम और अर्जुन के लिए दिनों दिन कठोर संकल्प में बदलती गईं। वो यादें ही थीं जिसके कारण बदला लेने के लिए उनमें बेताबी बढ़ती गई। जिन्हें दुख तकलीफ तिरस्कार और अपमान भरे रास्तों से गुजरना पड़ा, वो संकल्पवान हो जाते हैं। वे और भी ज़्यादा मजबूत और सहनशील हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे साथ भी किसी ने विश्वासघात किया था, पर मैंने उससे बदला नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त मैं खुद को समझा सका था, खुद को रोक सका था। मेरे बदले की भावना से मेरा विवेक ज़्यादा शक्तिशाली रहा, पर बदले की भावना आज भी मेरे मन में है। मुझे आज भी लगता है कि मैं एक बार उसे हिसाब बराबर कर लूँ। आज 20 साल बाद भी जब वो मुझे दिखता है तो उसके कारण हुई तकलीफ और कष्ट से गुजारे दिन ताज़ा हो जाते हैं और मन एक बार गुस्से से भर जाता है। यादें पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, तकलीफ के एहसास की तीव्रता वक्त के साथ जरूर कुछ कम हो जाती है, पर इनसे उभरने का एक उपाय है, एक के सामने दूसरे को लाना। यानी कि बुरी याद सताए तो अच्छी यादों का सहारा लेकर या ध्यान कहीं और लगाकर उससे दूर हो लिया जाए। इससे निपटने के उपाय पर कबीर कहते हैं, कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा वो भरेगा, तू क्यों होत उदास। इसलिए मैं कहता हूँ अपने दिल से, ऐ दिल खूब सोच ले, तू समझता क्यों नहीं कि यादों की पोटली से तुझे क्या निकालना है। जरा समझ, फिर उन यादों की तकलीफ से तू दूर हो सकेगा। एक गाना बार बार मेरे दिमाग में आता है,
जो बीते दिनों के दुख भरे लम्हे या सुकून के लम्हे याद दिलाता है। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें।